आज ये यादव समाज आ रहा जो शोभा यात्रा निकालती है। ये हमारी परंपरागत व्यवस्था है, परंपरा के रूप में हम लोग इसे मनाते आए। द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण ने सामाजिक न्याय दिवस के रूप तरह से जिस तरह से अपने मामा का वध किया था, वो एक अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत थी, उसी की परंपरा को हम निर्वहन करते आ रहे हैं। यादव समाज दबे कुचले और अन्य सभी वर्ग के लोगों को जो कि शोषण के शिकार हैं उनके साथ खड़े होने का काम करता है। यादव समाज हमेशा जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में जो भूमिका निभाई थी उन्हीं के वंशज यदवंशी आज हम सब लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उन लीलाओं को निर्वहन करते हैं। इसमें अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत है। ये एक सामाजिक न्याय दिवस के रूप में हम लोग परंपरागत तरीके से यदवंश के सभी लोग ग्वाल सब मिलकर के इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। आज का दिन हमारे लिए इस तरह से माना जाता है महोत्सव के रूप में कि हमें कंस का वध के साथ साथ अपने अंदर के जो कंस बैठा हुआ है जो बुराइयां हैं उनको निकालने का काम करने के लिए संकल्पित हैं। हम चाहते हैं कि जो इंसान के अंदर भी बुराई है उसको त्यागना चाहिए और एक परफेक्ट मैन बनने की ओर बढ़ना चाहिए, मानवता की ओर बढ़ना चाहिए। इसी उद्देश्य हम लोग सब लोग संगठित होकर के इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते आते हैं।